हाय फ्रेंड्स, पिंपल के जलों में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे पापोछा, जो बहुत ही आसान है और आपको बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए हम बनाते हैं पापोछा। पापोछा बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए, चलिए वो आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें एक रफ साड़ी चाहिए, जो बिल्कुल अब ख़राब हो चुकी है। उसके बाद हम इंच टेप रखेंगे, कुछ निशान लगाने के लिए ऐसा चौक ले लेंगे और सुई धागा रखेंगे, काटने के लिए कैंची रखेंगे और ऐसा स्टिक हम ले सकते हैं। हमने तो ऐसा रॉड लिया हुआ है, हमारे पास उपलब्ध था। इसके जगह पे आप डंडे भी ले सकते हैं, 4 डंडे ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, साड़ी को लेंगे और साड़ी को 2 भागों में यहाँ से काट देंगे, ऐसे चौड़ाई की तरफ से आपको दिखा रहे हैं। ऐसे मोड़ के हमने ऐसे मोड़ लिया है, ऐसे ऐसे मोड़ के और यहाँ से बीच से हम इसको काट देंगे। साड़ी को हमने काटना आरंभ कर दिया है ऐसे करके, और पूरी साड़ी को हम ऐसे काट लेंगे। अब देखिए हमने इसको काट लिया है और फिर इसके एक हिस्से को ऐसे हम फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। ऐसे फोल्ड करते हुए हम के किनारों को मशीन से सिल लेंगे पूरा लास्ट तक, पूरे 5 मीटर, 6 5 मीटर, 5.5 मीटर की जो साड़ी होती है, पूरा किनारे, इस किनारे भी मशीन चला देंगे और इस किनारे भी हम मशीन चला देंगे। हमने जो 4 रॉड लिए हुए थे उनकी लंबाई हम माप लेंगे और फिर चारों कोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। लंबाई चौड़ाई हमें जितनी चाहिए उतनी हम कर लेंगे। पहले कोने को हमने जोड़ लिया है, हमने इनको 13 लिया है, चौड़ाई 13 ली है और लंबाई 23 ली है, और हम चारों कोनों को बांध देंगे कस के। अब देखिए हमने इसको बांध लिया है और बांधने के बाद ये देखिए लंबाई है और ये चौड़ाई है, अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। फिर हमने इस पट्टे को यहाँ ऐसे कर देना है और यहाँ सुई से इसको टाक देना है। आप देख सकते हैं इसको हमने सुई से ऐसे टाक दिया हुआ है, ऐसे टाक के हम इसको काट लेंगे। इसको हमने अलग रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और जो पट्टा हमने साड़ी का बनाया हुआ है उसको यहाँ से ले जाते हुए इस किनारे से, अब देखिए हम इसके नीचे से ऐसे घुमाएंगे, हमने पूरे पट्टे को ऐसे घुमाना है इसके अंदर से। आप देख रहे हैं ऐसे हम इसके नीचे से निकाल निकाल के इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर से घुमा रहे हैं। इस तरह के तरीके से हम पूरा यहाँ तक इसको घुमा लेंगे। ये जो छोटा पट्टा है इसमें दूसरा पट्टा हम ज्वाइंट कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसे लपेट दिया है, इस रॉड से इस रॉड तक ऐसे पलट पलट के इसको लपेट दिया। अब एकदम किनारे हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के, और देखिए एक पट्टे को जो ये दिख रहा है उस एक पट्टे को यूं हम दबाएंगे और दूसरे को उठाएंगे, ऐसे हम एक दबाएंगे जैसे गांव में चारपाई बुनते हैं वैसे ही इसको बुनना है। एक को हम उठाएंगे और दूसरे को दबाएंगे, ऐसे करके इसके अंदर से हम ऐसे निकाल लेंगे सारे ये जो है। ऐसे करते करते इस साइड से भी हम ऐसे ही जाएंगे। देख सकते हैं एक पट्टे को हमने पहले दबाया है और जब दूसरी लाइन में इसको मोड़ के और एक को उठा लिया है, और जो दबा हुआ था उसको उठा लिया है, जो उठा हुआ था उसको दबा दिया है। ऐसे कर करके हमने पूरा इसको बुन दिया है। बुनने के बाद इसको हम किनारे, आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ हम एक धागा टाक देंगे, यहाँ टाक देंगे, यहाँ किनारों में बस हम टाक देंगे, ताकि कि जब हम ये रॉड निकालें, पतला वाला रॉड निकालें, तो हमारा जो पापोछा है वो बिगड़े नहीं, इसलिए हम इसको सबसे पहले टाक लेते हैं यहाँ ऐसे ऐसे बीच में टाक लेते हैं। ऐसे करके टाक टाक के हम काट लेंगे, यहीं पे धागा काट लेंगे, चारों किनारे हम ऐसे ही टाक देंगे। आप देख सकते हैं हमने इनके किनारों पे टाक लिया है, जहाँ जोड़ है उनके किनारों पे हमने टाक लिया। अब इसको हम जो ज्वाइंट करके कस के हमने रॉड को बांधा था उस रॉड को हम खोल देंगे,
चारों रॉड को कोनों को हम आप देख सकते हैं हमने ये कोनों को खोल दिया है। अब इन रॉड को हम धीरे से निकाल लेंगे, सारे रॉड को हम अलग कर लेंगे। देखिए हमारे रॉड सारे अलग हो गए हैं। अब इस पाव पोछा को देखिए, ये पाव पोछा आपका बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए आपका पोछा बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।